स्वागत है आपका टेक्निकल फार्मा यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है इथोसक्सिमाइड। इथोसक्सिमाइड का हम आज सिंथेसिस लेने वाले। तो इथोसक्सिमाइड क्या है, किसके क्लास में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो एंटी कन्वर्जेंट एजेंट है, और आपका जो सक्सिनामाइड उसमें क्लासिफिकेशन है, उसमें इथोसक्सिमाइड आता है। तो आज हम इसका सिंथेसिस लेने वाले हैं और इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है और इसका आईपैक नेम है। तो आईपैक नेम क्या है, 3-ethyl-3-methyl-2-5-pyrrolidinone, ये इसका आईयूपैक नेम है और इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जानने के बाद हम इसका सिंथेसिस कोड बढ़ते हैं। सिंथेसिस क्या है, तो सिंथेसिस में फर्स्ट हमें लेना है मिथिल इथिल कीटोन। मिथिल मतलब है मिथिल, इथिल और एक कीटोन, कीटोन हमें लेना है। इसके साथ हमें ऐड करना है इथिल टू साइनो एसीडेट। इथिल इथिल टू साइनो एसीडेट इसे कहते हैं। और दोनों में ऐड करने के बाद इसके साथ रिएक्शन होती है और अमोनिया और अमोनियम एसीडेट हम उसमें ऐड करते हैं। तो हमें डायरेक्टली हमारा जो इथोसक्सिमाइड है ये मिल जाता है। ये हुआ इथोसक्सिमाइड का सिंथेसिस। तो फिर से लेते हैं मिथिल इथिल कीटोन आर मिथिल इथिल कीटोन एंड टू मिथिल इथिल टू साइनो एसीडेट आर एडिशन एंड एडिशन ऑफ अमोनियम एसीडेट और अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अमोनियम एसीडेट टू फॉर्म द इथोसक्सिमाइड। तो ये हुआ उसका सिंथेसिस। अब इसका यूजेस क्या है, इट इज़ अ कैल्शियम टी चैनल ब्लॉकिंग एजेंट। आपको पता होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग के भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के भी टाइप है, जैसे कि ये टी चैनल ब्लॉकिंग ड्रग है इफेक्टिव इन अ क्यूर ऑफ द पेटिटिमल इपिलिप्सी। इपिलिप्सी मतलब यही आपका जो कन्वलसेंट है उसमें यूज होता है। तो इसका यूजेस, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।